दोस्तों जवान के 26वें दिन की भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ चुकी है और जवान ने कल 6,80,00,000 रुपए के अराउंड कमाए और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से और पिछले मंडे के कलेक्शन रिपोर्ट से ज्यादा है। पिछले मंडे को जवान ने कमाए थे 5.25 करोड़ रुपए के अराउंड और जिसमें हिंदी वर्जन ने 5 करोड़ रुपए से भी कम कमाए थे और इस बार इन्होंने 6,80,00,000 रुपए कमाए हैं। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोचो मंडे का जो कलेक्शन होता है वो वीक बाय वीक कम होता जाता है, तो उस हिसाब से इस हफ्ते इसका कलेक्शन 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे कहा जा सकता है कि जो बॉक्स ऑफिस है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। वैसे कल के कलेक्शन में मैं एक थ्योरी ओवर एड ऑन कर सकता हूँ, गांधी जयंती की। कल गांधी जयंती थी तो इसलिए लोग जल्दी घर आ गए थे क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में या ऑफिसेज में फंक्शन होता है इस दिन और उसके बाद में जल्दी छुट्टी हो जाती है या जल्दी ऑफ हो जाता है, तो उस वजह से हो सकता है इसके कलेक्शन में इजाफा आया हो। हालांकि फुकरे 3 ने भी कल 10 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी, मतलब 11,80,00,000 रुपए कमाए थे फुकरे 3 ने, जो मेरी प्रेडिक्शन से ज्यादा था। मैंने जो फुकरे 3 का कलेक्शन प्रेडिक्ट किया था वो 7-8 करोड़ रुपए था, लेकिन इसने 3-4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाई करी, जैसे जवान के केस में भी 3-4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाई करी है। तो ये जो फर्क है मुझे लगता है गांधी जयंती का भी फर्क पड़ सकता है। बात करें जवान के कल के दिन की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो कल जवान की ऑक्यूपेंसी रही थिएटर में 34%, जो काफी शानदार है 26वें दिन के हिसाब से, जिसमें मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 21%, आफ्टरनून में बढ़कर ये 41% होगी, इवनिंग में 45% होगी और नाइट में फिर से गिरावट के साथ में 27% हुई। अब टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो जवान का कलेक्शन 612 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। अगर सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो जवान ने 547 करोड़ रुपए के अराउंड कमा लिए हैं और आज जवान 550 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसके साथ ही जवान भारत की पहली ऐसी मूवी बन जाएगी हिंदी वर्जन में जिसने 550 करोड़ रुपए कमाए हो। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो जवान का जो कलेक्शन है वो 1,080 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है और इस हफ्ते 1,100 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगी। इसके साथ ही भारत की 5वीं ऐसी मूवी बन जाएगी जिसने दंगल, बाहुबली, KGF और RR के बाद में 1,100 करोड़ रुपए कमाए हैं और ये वो मुकाम है जिसको हासिल करने में पठान के भी पसीने छूट गए लेकिन वो इसे हासिल नहीं कर पाई। तो ये शाहरुख खान के लिए और शाहरुख खान के फैंस के लिए और जवान के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट रहेगी। अब बात करें आज के दिन के प्रेडिक्शंस के बारे में, तो आज जवान का 27वां दिन है, आज मंगलवार है और आज पूरी तरह से वर्किंग डे है, आज कोई छुट्टी नहीं, कोई गांधी जयंती नहीं। तो मुझे लगता है आज जवान का जो कलेक्शन है वो 5 करोड़ रुपए से नीचे जाने वाला और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 30% से नीचे जाएगी, हो सकता है 25% से भी नीचे चली जाए। और जवान के कलेक्शन गिरने का एक रीज़न फुकरे 3 की परफॉर्मेंस भी है। फुकरे 3 को अच्छी माउथ मार्केटिंग मिल रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जवान का कलेक्शन गिरता है और इस हफ्ते गिरता ही रहेगा। तो यह है मेरा आज के दिन का प्रेडिक्शन। अब देखते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकलता है, कितना गलत निकलता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी डोज आपको मिलती रहे टाइमली मैनर में। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।